प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरी बार सत्ता संभालते ही पहले दिन अपने कई चुनावी वादे पूरे कर दिए। अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम मोदी ने न केवल देश के जवानों, किसानों और व्यापारियों से चुनाव के दौरान किए वादे पूरे किए, बल्कि कई नई योजनाओं की भी शुरुआत की। पीएम मोदी के पहले दिन के सारे फैसले देश के गरीबों, किसानों और पीड़ितों के नाम रहे। वैसे भी किसान और गरीब हमेशा से ही मोदी सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहे हैं। अपने पहले दिन के फैसले के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश के शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाई, वहीं पीएम किसान योजना के तहत देश के सारे किसानों को 6000 रुपये सालाना देने को मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने छोटे और सीमांत किसानों की पेंशन देने की नई योजना की शुरुआत भी कर दी। गुरुवार को शपथ लेने के बाद शुक्रवार यानी 31 मई की शाम प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दिन कुछ कड़े फैसले लेकर दिखा दिया कि उनकी सरकार कोई भी कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले फैसले के तहत देश के शहीदों के बच्चों के स्कॉलरशिप बढ़ाने के रूप में लिया। उन्होंने नेशनल डिफेंस फंड के तहत शहीदों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला किया। इस फैसले के तहत लड़कों के लिए 25% और लड़कियों के लिए 33% स्कॉलरशिप की रकम बढ़ा दी गई। शुक्रवार को ही पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में देश के हर किसान को 6000 रुपये सालाना देने का फैसला किया गया। मालूम हो कि पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान देश में 5 एकड़ से कम जमीन वाले हर किसान को पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6000 रुपये देने का फैसला किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने इस योजना को देश के हर किसान के लिए लागू करने का वादा किया था। अपने इसी वादे को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का लाभ देश के हर किसान को देने का फैसला किया है। पीएम की इस योजना के तहत देश के 15 करोड़ गरीब और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने तीसरे फैसले के तहत छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 3 करोड़ उन छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है। अपनी दूसरी पारी शुरू करते ही मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी के तहत पहले ही दिन मोदी सरकार ने कई वादे पूरे कर दिए। पहले दिन कैबिनेट की पहली बैठक में ही मोदी सरकार ने असंगठित मजदूरों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।